मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे मन के अनुसार कुछ घटित नहीं हो रहा है तो तुम नाराज मत हुआ करो, क्योंकि तुम गलत हो सकते हो, परंतु मेरा लिया हुआ निर्णय तुम्हारे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरा तय किया हुआ समय तुम्हारे लिए एकदम सही है बच्चे, इसलिए अभी तुम्हें जो कुछ भी नहीं मिल रहा है वह तुम्हारे लिए उचित है, और जो तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल चुका है वह चाहे तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के या इंसान के न मिलने पर निराश मत हुआ करो, और अपने मन में आत्महत्या जैसा विचार तो कभी भी मत लाना, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है बच्चे। और आज मैं तुम्हारी आवाज़ में एक भजन सुनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम मन ही मन गुनगुनाते रहते हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने बैठकर मुझे अपनी आवाज़ में एक भजन सुनाओ, मुझे बहुत खुशी होगी और तुम्हारे विचलित मन को भी बहुत सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे हमेशा ये कहता हूँ ना कि तुम शांत रहा करो, क्योंकि गुस्सा अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात ये भी सच है बच्चे कि अगर कुछ गलत हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और तुम वहीं खड़े रहकर सब कुछ चुपचाप देख रहे हो बिना कुछ कहे ही, तो वह गलत है। तो उस समय क्रोधित होना और उस क्रोध को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना किसी को न्याय दिलाने में क्रोध का सदुपयोग होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुमसे कोई अपनी खुशी बांटे या तुम्हें अपनी सफलता की कोई खबरें बताए तो हमेशा उनके लिए खुशी महसूस करो, कभी भी जलन की भावना मत लाना और कभी भी यह मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, और कभी भी ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, बल्कि अगर तुम उसकी खुशी में खुश होकर उसे और दुआएं और बधाई दोगे तो बदले में तुम्हारे भी सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे, क्योंकि यदि तुम अच्छा सोचोगे और अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा, और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा स्थान प्राप्त होगा जहाँ पर तुम्हारे अपने तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे और यह जान जाएंगे कि तुम पर वाकई में तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पैसों का इंतजाम भी मैं कर रहा हूँ, और जो तुम्हारा रुका हुआ काम है ना पैसों की वजह से, तो अब वो भी पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ करना पड़ता है जो तुम्हारे मन के विरुद्ध होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है, इसलिए बच्चे बस भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। पिछले कुछ साल से तुम बहुत तकलीफ में चल रहे थे, पर अब तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत लोगों की मदद की है उनके बुरे समय में, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में ये अच्छा बदलाव आ रहा है और ये तुमने स्वयं महसूस भी किया होगा, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे सुख का समय अब आ गया है। अब तुम्हारे सारे रुके हुए काम बनते चले जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की ये सारी समस्याओं को अब एक ही करके दूर कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा सारा पैसों का इंतजाम मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतित मत हो, जो तुमने सोचा है तुम वही करो, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो बस विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा ना बहुत अच्छा होगा और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि ये बदलाव तुम्हारे लिए सही होगा भी या नहीं, तो बच्चे जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो विश्वास रखो, ये बदलाव तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, इसलिए भरोसा रखो, क्योंकि जब मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ तो आगे भी लेकर जाऊँगा, इसलिए भरोसा रखो बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लाऊँगा, इसलिए मेरी इन लीलाओं को समझो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने आया हूँ बच्चे, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में
बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाएगा। इसलिए इस बदलाव को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।